माशाला से यहाँ पर उनके लिए अभी सुबह ईद का दूसरा दिन और मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ कि माता मैंने बोल के इधर रख लिया जी गाजर लाएंगे जी रोटी बच्चों को तो ब्राज भी चाहिए वो करें जी मामा ने कांटे भी कराने हैं और बाकी तो गोरखा जी मैंने जो स्टाफ को ही साफ करके पैकेट बना के फ्रिज में रख दिए हैं जी ताकि पैकेट निकाले और दो नाना पड़े और खटार पका लो क्योंकि बाद में धोया नहीं जाता पहले धो के अच्छी तरह से साफ करके रख लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब मेरे कर सब है भाई ठीक होंगे अल्लाह के कर से मैं भी ठीक हूँ अब यहाँ भी रहे खुश रहे आवाज रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे तो जनाब जी आज है जी इसका दूसरा दिन और यहाँ पर मैं काटती हूँ जी गोश्त को छोटे छोटे पीस काट रही हूँ वो जिसलिए कि बच्चों का आज कहना कि मामा जी आज ना पुलाव बनाए बड़े गोश्त का पुलाव बहुत मज़े का लगता है तो मैंने कहा जल्द जी ठीक है जरा हमने करना है हाँ जी आपने क्योंकि हसन साहब जो है वो कर रहे हैं जी शेप बना रहे हैं ईद मुबारक कहते हैं ईद मुबारक हाँ जी तो कह रहे हैं कि मैंने चावल नहीं खाने तो मेरे लिए आपने टीका बनाया तो मैंने जी वो टीका को टीका था मैंने शक्कर लगा दिया तो बाद में चावल बना कर फिर मैंने वो बना दूंगी सादी रोटी बना दूंगी हाँ जी और आज इन्होंने मुझे ज़बरदस्त आज वैसे भी मौसम ठीक ही है हवा चल रही है तो मैंने जी कपड़े भी पहन लिए कल तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज फिर भी थोड़ी हवा चल रही है तो मौसम सही है तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है ना गर्मी की वजह से तो ये बड़ा है जी तो हैसबर साहब के लिए मैंने वो बकरे के गोश्त को जी वो लगाया था कि उनका और बकरे गोश्त को मैं वो टीका है रोटी बना दूँगी और ये मैं छोटे छोटे पीस करके इसकी जल्दी बनाऊँगी तो फिर खिलाऊंगा जल्दी खिलाऊंगा जुकाम भी आज इतना ज़्यादा हुआ है ना पा दो बैटर चो पालो पालो बदम गुआनी है उठाई जा रही मैंने दिन शाम से करा कि पानी डाल दे कूलर में और पानी इतना ज्यादा पिया जा रहा है ना गर्मी में अभी बर्फ डाल मेरी बर्फ देखे जम ही नहीं रही इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन जैसे भी आप कूलर में डाल लेते हैं कल भी मैंने इन्हें लगाई थी जब इनके नमाज पढ़े गए तब का सूट उतार के ऐसे ही रखा मैंने कहा इसे पहनने गंदा करे मैंने फिर धोया जाएगा मैंने साफ को नहीं धोया थक गई तो गर्मी में आनी चाहिए चलो बस यहाँ पर जी यहनी मैंने निकाल ली है
तड़का ऊपर रख दिया, प्याज रोन कर रही हूँ, लहसुन को उतर रही है, ये टमाटर रख लिए मैंने अपने पास। और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसके साथ वाला जो भट्टा था ना वो मुझसे ले आई नहीं थी, इसलिए मैंने फिर ये ले लिया। मरीज है तो देखें मैं ज़रा, मैं आपसे बात शेयर करने लगी, देखें मैं कैसे आपको बताऊँ, मेरे मैगी वाले ने उन्होंने किसी ने भी फोन करके ना, चलो वो बैठे तो अपने अपने घर वाली है, तो मेरे माँ बाप जो अम्मी अबू उन्होंने भी नहीं कॉल करके ईद मुबारक बोला जी, तो इतने मुझे तकलीफ हो रही है। हालांकि उन्होंने कुर्बानी की है, एक दिन पहले ना उन्होंने भी मैंने ही कॉल की है, तो फिर अम्मी ने बताया कि भाई ने दो बर्थडे नहीं है तो कुर्बानी दे रही है तो आप लोग आना, मैंने कहा अम्मी जी नहीं अपने टाइम नहीं है, तो बड़ी ईद है इतनी गर्मी है तो कैसे हम आएंगे, तो ईद वाले दिन एक दफा नहीं उन्होंने फोन कर गए थे ईद मुबारक बोला, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना। मामा चूदा जो है मेरे साथ मेरा कहना मन है, कह रही इधर आओ तो इधर आ रहा है, देखो फिर जैसे ना कि आप जैसे कलर है ना उसका इसी ऐसा भी कलर है, माशाल्लाह से बाप देखो इतनी प्यारी लग रही है जी आज, माशाल्लाह से कल भी बहुत प्यार लग रही थी और आज भी बहुत प्यार लग रही है, और सारी चीज़ें बना रही है मैंने इसकी आज की, चूजा उसका वही कलर है तो कह रही थी दिखाओ जरा चूजे का कलर दिखाओ ना, कह रही थी बाबू मैं ऐसे कहती हूँ ना इधर आओ तो फटाफट आ जाना, फिर उसका कलर तुम्हारे कपड़ों जैसा ना इसलिए, और मैं और बाप बना रही थी तो हमारी गली में से बैठ के बहुत सही है, चलो देख लिया किधर तक पहुँचे है, मैं अंदर नहीं ना पैर दी इतनी गर्मी में बाहर आ जाती हूँ ऊपर रख के ना, इधर जरा मौसम अच्छा लगता है, पानी भी मुश्किल हो गया लगता है, चावल डाल कर तो बाहर चल गई, रोटी उन्हें बोलूंगी जी तंदूर से ले आए, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गया, आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा, खत्म कह रही हूँ पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब, इतना जुकाम हो गया ना मुझे, मैंने बहुत मुश्किल से खाना बनाया लेकिन बच्चों को ना मेरे हाथ के अलावा पसंद है, आप खुद भी बनाते हैं तो कहते हैं हमें जी अच्छा नहीं जी लगा, तो ये मैंने आपसे आज ईद के दूसरे दिन की रूटीन शेयर की है, तो आज का ब्लॉग करते हैं जी आप ख़त्म, मेरे कदम भी मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जो नए देखने वाले मैं उन्हें कहती हूँ तो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, तो फुल वॉच कर दिया करें ताकि आपकी बहन भी सपोर्ट हो सके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।